जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने खनन पट्टा धारकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जितने भी जिला प्रशासन के द्वारा पट्टे दिए गए हैं उसकी सभी पट्टा धारक रॉयल्टी प्राप्त कर ले। अगर कहीं पर भी खनन में किसी तरह की दिक्कत आती है तो तत्काल हमें सूचना दें। उन्होंने कहा कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होना चाहिए। जिसको जिला प्रशासन द्वारा पट्टा दिया गया वही केवल खनन कर पाए, वह भी जहाँ पर पट्टा किया गया है। अगर किसी के द्वारा किसी अन्य के जमीन पर खनन किया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी पट्टा धारकों से अपील किया कि अवैध खनन की सूचना दें, जिस पर नामजद मुकदमा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्लास्टिक सिटी बन रही है, आईटी पार्क बन रहा है, सब तो निर्माण होना ही है ना, और प्राइवेट घर भी बन रहा है, पट्टे जो हो रहे हैं। और इसके अलावा इन लोकेशन पे कोई आपत्ति है तो वो बता देंगे। इन लोकेशन में भी आप विपरीत इनके सर्वे से छूट गया कोई तो वो भी बताइए, वहाँ भी पट्टा जारी कर देंगे। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, फूले फले, दिवाली वो अच्छी है, दिवाली कल कर लीजिए। 94 44 75 44 75 44 कोई यहाँ सिंडिकेट बना रहा है या तो आपका नाम, आपका फोन आना चाहिए मुझे, कोई संकोच नहीं करना, आपका नाम नहीं आएगा, मैं जबरदस्त कार्रवाई कर दूंगा। 94 41 75 44 हो सकता है फर्जी भी हो, कुछ कि आपका पट्टा कहीं और है, आप करके कहीं और रहे, पद्धा टूट रहा है, नदी में हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। इसमें आप लोगों का क्या कहना है, वाकई में हो रहा है तो उसको मत करिए। जो भी शिकायत लोग करते हैं उसके पीछे उनकी कोई मंशा हो, मंशा हो गया और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे चिक्के आयत की जांच कराएंगे। अगर आपके खिलाफ जो भी शिकायत हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर सही है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है ना। ऐसा कर लेंगे, इसको मत होने दीजिएगा, किसी का रॉयल्टी जमा होने में बचा है। वहीं पे करें, थाना अध्यक्ष की बैठक करा लीजिए, थाना अध्यक्ष को एक सख्त लेटर मेरी तरफ से भेज दो कि कोई भी किसी का भी गाड़ी रोक के परेशान करने की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी असली बात, अवैध रूप से जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कब सूचना देंगे भैया, ताकि मैं उनके खिलाफ FIR करूं। और इस बार जब अवैध रूप से करने वाले मिलते हैं तो इन्हें क्या फायदा होगा कि एक तो वहां आप मशीन लेके जाके मेजरमेंट करो जो अवैध कर रहा है, और इस बार नामजद करके FIR करो, 409 420 लगा दो, अनलॉफुल गेन वाला विवेचना मैं कराऊंगा, और मैं जब विवेचना करूंगा तो CBI टाइप होगी, तब कोई नहीं बचा पाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं राहत मिलेगी।